भाई उनकी प्यारी प्यारी बहन। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं आएंगे वो हाँ है ना। ठीक है, तो दोस्तों आप कैसे हो? अरे कैसे लग रहा हूँ मैं, इसमें बताया नहीं आप लोगों ने। अच्छा लग रहा हूँ? नहीं, आप लोगों का जरूरी है ना आप लोगों से पूछना। आप लोग जब तक बताओगे नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, तो ये ड्रेस सेंस का फायदा क्या? राइट, एक्चुअली रॉन्ग। मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, ड्रेसअप को लेकर के। स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स प्लीज़ ध्यान से देखिए और उसको शेयर करें, बिकॉज ऐसा हर लड़की के साथ होता है, चाहे वो रिलेशनशिप में टॉम बॉय के साथ हो या किसी इवन किसी लड़की के ही साथ हो, लेस्बियन हो या किसी बॉय के साथ हो, इन लड़कियों के साथ ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि जिनको गर्लफ्रेंड क्या चाहिए होती है, शॉर्ट ड्रेसेस वाली, और जिनको क्या जिनको जिनको बीवी चाहिए होती है सती सावित्री टाइप, वो बिल्कुल साड़ी पहने और मतलब पल्लू ढके सावन। एक तो गालियां मत दूं ना, तो प्लीज मैनेज कर लेना, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लेना यार। सॉरी, तो मेरा सामने वाला किस्सा बताऊँ मैं आप लोगों को। एक टॉम बॉय था, वो अपनी वाइफ उसका जब तक वो एक उसका ना एक गर्लफ्रेंड था, और वो होता है लड़की है उसको जो पसंद है वो वही तो पहनेगी यार, ठीक है। शॉर्ट ड्रेसेस कैरी करती थी, तो ऑब्वियसली उसको पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। स्टार्टिंग में ना मुझे इसको पटाना है, टॉम बॉय की बात बता रहा हूँ, मुझे इसको पटाना है। उसने जाकर के इसको पटाया, वो पट भी गई, सही है यार, चलो मज़ेदार बंदी मिल गई हमें। देन आफ्टर जब वो उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होने लगा, तुम ये शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन, क्यों नहीं पहनेगी भाई? शॉर्ट ड्रेसेस पहनना या फिर उसको उसकी तरह जीना उसका हक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, तुम नहीं थे, ठीक है ना, तुम पहले से उसकी लाइफ में नहीं थे, वो पहले से ऐसी रहती भी आई है, तो तुम्हें कोई घंटा हक नहीं बनता कि तुम उससे जाकर कुछ भी कहो, ठीक है ना। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यार, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन गई है जो तुम कुछ भी पकोगे उसको। इवन लड़कों का क्या होता है, लड़के मैं बाहर जा रहा हूँ तुम घर पे रहना, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है भाई तू करना, सीरियसली तू कर, ठीक। पर उसको भी, एक लड़की को भी हक बनता है कि वो भी घर से बाहर जाए, उसको भी हक बनता है वो भी अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करे, उसको भी हक बनता है वो जो चाहे वो पहने, वो जो चाहे वो खाए। ये लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हेल्दी है, ठीक, उसको क्या मुझे तो पतली चाहिए और 2 महीने के अंदर पतली चाहिए, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, इस टाइप से तो मैं मतलब तुमने शादी से पहले नहीं सोचा था, सीरियसली यार तुम लोग शादी से पहले नहीं सोचते हो ये चीजें कि वो पतला है मोटा है काला है गोरा है छोटा है बड़ा है, क्या तुम्हें तुम लोगों को एज गैप मोटा पतला काला पीला सब साला शादी के बाद नजर आता है। गर्लफ्रेंड बन जाए हम मजे ले लें, देन आफ्टर छोड़ दें, उतने तक है ना तुम लोगों की लाइफ, सीरियस हो जाओ लाइफ में। और सेकंड थिंग, अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना तो उसको फ्री बर्ड वाली मतलब फ्रीडम दो तुम, ठीक है ना, उसको कैद जितना कैद करके रखोगे ना वो उतना, जिस इंसान कोई भी चीज़ हो एक छोटी सी चीज़ हो जिसको जितना रेत होती है ना, रेत को जितना तेजी से पकड़ते हो ना वो उतना तेजी से गिरता है हाथ से फिसलता है, उस चीज़ को आप अपने माइंड में डालो और समझने की कोशिश करो कि वो एक इंसान भी रेत की तरह होता है, उसको इतना कैद मत करो कि वो उड़ने की कोशिश करे, एक परिंदा है वो, ठीक है ना, उसको एक पिंजरे में कैद करके रखोगे ना तो वो उड़ने की हमेशा कोशिश करेगा, पर उसको फ्रीडम दोगे ना तो वो तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। बहुत लेक्चर हुआ मेरा, पर क्या करूँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं ना मैं देखता हूँ ना मुझसे, मैं वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाता एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने ही हो जाती हैं, मैं देखता रह जाता हूँ क्या हो रहा है। वो बनो, लड़कियों से रिक्वेस्ट है अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है
तो आप वो बनो जो आप चाहते हो, ना कि वो बन जाओ कि वो दूसरा चाहता है. प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप वो आप जो हो आप वही रहो. अगर आप बदल के किसी को पसंद आ रहे हो तो वो चीज बिल्कुल गलत है, वो प्यार नहीं है, ठीक है ना. और आपकी खुद का फ्रीडम भी कुछ है, उस चीज में रहो आप. बस इतना ही कहना चाहता हूँ. और लड़कियों को जितना समझाया जाए उतना कम है. मैं थोड़ी सी चीजें आके बोल रहा हूँ और कुछ लोगों को अच्छी भी लगेंगी, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी. बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि हमारी बीवी है. बहुत से लोगों का ये मेंटेलिटी क्या है, मेरी बीवी है मैं जो चाहूँ करूँ. नहीं, वो एक इंसान है, वो एक इंसान है. ये चीज आप लोग जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है. नहीं समझोगे तो साला मत समझो. मैंने जितना समझाना था उतना समझा दिया, ठीक है ना. अब तुम्हारे दिमाग में घुसे ना घुसे या कुछ भी करो, आई डोंट केयर. एक्चुअली आई केयर, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. बहुत से लोगों को देखा हूँ, बहुत कुछ समझा हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाने आया हूँ यहाँ पे. मेरे पास भी कोई वो नहीं है कि मैं अपने पूरे दिन के टाइम में से कहीं भी रहूं, फिर भी मैं ये एक चीज़ सोचता हूँ कि यार एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इस टॉपिक पे. जब मेरे सामने टॉपिक है तो मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा. एंड कंफ्यूजन, टॉम बॉय का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि यार मैं टॉम बॉय हूँ, लेस्बियन हूँ या फिर स्ट्रेट गर्ल हूँ. बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है. एक गर्ल का मेरे पास मैसेज आया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं टॉम बॉय हूँ या मैं स्ट्रेट गर्ल हूँ या लेस्बियन हूँ. बिकॉज बिफोर सम टाइम मेरा एक बॉयफ्रेंड था, नाउ आई एम डेटिंग अ गर्ल. क्या ओके, अच्छी बात है. तो आप समझ गई ना दैट यू आर अ लेस्बियन और टॉम बॉय. नहीं नहीं, मुझे ड्रेसअप टॉम बॉयज वाला पसंद है, बट मतलब वो टॉम बॉय जैसे कि आम है. ओके, तो मेरा ड्रेस सेंस ये सब कुछ बाल वाल सब टॉम बॉयज वाले हैं. वो गर्लिश है थोड़ा, वो गर्लिश होकर के वो बोलती है मेरे को टॉमबॉय वाला लुक पसंद है. मैंने कहा ओके, तो टॉमबॉय वाला लुक कैरी करूँ ना. वही नहीं, मुझे वो पसंद भी है और ना पसंद भी है. मैंने कहा कैसा कन्फ्यूज़न है रे. यानी मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैंने सोचा शायद वो स्ट्रेट नहीं है. मैंने फिर बोली मेरी अब ग्रेट गर्लफ्रेंड है. मैंने सोचा ओके बायसेक्सुअल हो आप, बट नहीं भाई वो अभी भी कंफ्यूज है. सीरियसली इतना कंफ्यूजन. देखो अगर एक लड़की को एक लड़का और एक लड़की दोनों पसंद आ रही है तो सिंपल सा थॉट है भाई, दिमाग में वैसे ही बिठा लो तुम बायोसेक्शुअल हो. एंड सेकंड थिंग, एक उस लड़की ने मेरे से एक और बात बोली के वो उस लड़की के साथ फिजिकल नहीं हो पाई. अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ फीलिंग आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम फिजिकल हो सकते हो, ठीक है ना. तुम्हें फीलिंग ही नहीं है तो यक वाला जो फीलिंग है ना उसको लेकर के किसी की जिंदगी झंडना करें आप, ठीक है. कंफ्यूजन की दुकान पहले क्लियर करो, देन आफ्टर किसी के साथ जाओ. भाई क्या फायदा, तुम्हारा तो कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है, पर दूसरे की लाइफ झंड हो सकती है उसके चक्कर में. कतई जहर बना सकते हो तुम उसकी लाइफ को, तो प्लीज इस बात को भेजे में डाल लो. उसकी लाइफ जहर बनाने से पहले तुम अपने आप की कंफ्यूजन दूर कर लो. किसी की लाइफ में जाके चरस बोने से कोई फायदा ना है लल्ला, ठीक है. जैसे कि अभी की डेट में हमारी सोसाइटी हमारी लाइफ में चरस बोने पर लगी पड़ी है. कह रहे ना ये तो वो है, अरे वो है तो है ना, सामने तो हूँ, छुपा तो नहीं. और लोगों की तरह जो घर में छुप के बैठे हुए हैं, जो अपनी फैमिली तक को नहीं अपने आप तक को नहीं बता रहे हैं कि वो क्या है, कम से कम मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा हूँ. टॉम बॉयज हैं, गर्ल हैं, शादी तक करके बैठे हैं. सीरियसली यार ऐसा नहीं होता है. जब फीलिंग्स है ना तभी कुछ करो. फीलिंग्स नहीं है तुम्हारा तो पत्ता कट जाएगा, ठीक है ना. तुम्हारी फैमिली का तो सही है, हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, पर तुम दूसरे की लाइफ जो जाके झंडे कर दोगे वो उसका क्या है.
कोई नहीं, होता है तो ओके बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलते हैं कुछ देर, कुछ दिन बाद। ओके, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अपडेट दूंगा, सो मस्ट वॉच। एंड या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।